हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिन चार नए जिलों के गठन किए जाने की घोषणा किया गया था उससे जुड़े हुए कुछ संभावित तथ्यों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो भी फैक्ट जो भी तथ्यों पर चर्चा करेंगे यह केवल समाचार पत्र या न्यूज़पेपर में बताए गए आर्टिकल्स पर आधारित है। इसके कोई प्रामाणिक और ऑथेंटिक सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए, इन चार नए जिलों को जाने केवल घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, अभी तक ये अस्तित्व में आए नहीं है। जब तक राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में इनकी सीमाओं का निर्धारण करके अधिसूचना जारी नहीं किया जाता तब तक ये जिले अस्तित्व में नहीं आएंगे। ठीक है, प्रोसेस होने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन तब तक आपके पास कोई भी ऑथेंटिक और प्रमाणित सोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि समाचार पत्रों के द्वारा जो दावा किया जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से या जो संभावना जताई जा रही है वो गलत है। उनके द्वारा जो भी संभावना जताई जा रही है, पॉसिबिलिटी है कि 85-90% चीजें इसी प्रकार से होगी, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि जब से ये चार नए जिलों के बनाए जाने की घोषणा किया गया है तब से इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की मांगे उठ रही है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें बदले लेकिन सारी चीजें बदल जाएगी, यह भी संभव नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि चार नए जिले कौन कौन से हैं, इस जिले के संभावित जिला मुख्यालय कौन से होंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके संभावित ब्लॉक्स को शामिल किया जाएगा और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र इन नवीनतम जिले के अंतर्गत आएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के चार नवीनतम जिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को चार नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा चार नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा किस तिथि में किया गया, तो ये है आपका 15 अगस्त 2021। ठीक है, ये चार नए जिले कौन कौन से, देखिए, एक है आपका महेंद्रगढ़, दूसरा सक्ती, तीसरा है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी और चौथा है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, अब देखिए, ये जो आपके चार नए जिले बन रहे हैं ये चार नए जिले किस जिले से पृथक होकर के बन रहे हैं। जैसे कि मनेंद्रगढ़, ये पृथक होकर के बन रहा है आपके कोरिया जिले से। दूसरा है सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है ये पृथक होकर के बनेगा आपका रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले से। तीसरा है आपका सक्ती, ये पृथक होकर के बनेगा आपके जांजगीर चांपा जिले से। और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये पृथक होकर के बनेगा आपके राजनांदगांव जिले से। देखिए, यहां बोर्ड में आपके कुछ मैप बनाए गए हैं, जैसे कि कोरिया, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार। इस मैप में जो भी आपकी जगह दर्शाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके नाम दर्शाए जा रहे हैं ये विकास खंडों के नाम है। ठीक है, इसमें तहसीलों को लेकर के ये मैप नहीं बनाया गया, ये मैप बनाया गया है विकास खंडों के आधार पर। देखिए, हमारे प्रदेश में पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत से नए तहसीलों का सृजन हुआ है और बहुत से तहसील अभी भी प्रस्तावित है, बने नहीं है, प्रस्तावित है, और कई तहसीलों का आपका सृजन या गठन हो चुका है। ठीक है, तो तहसीलों को लेकर के अगर चीजों को हम समझने जाएंगे तो और भी ज्यादा घूम सकते हैं। तो विकास खंडों के आधार पर यह मैप बनाया गया है और इसी में हम देखेंगे कौन कौन से विकास खंड इन नए जिले के अंतर्गत शामिल होने वाले। ठीक है, तो तहसीलों को ढूंढते मत बैठिएगा इस मैप में, ये जो मैप बनाया गया है ये विकास खंडों को लेकर के जिलों का मैप बनाया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ का मातृ जिला है आपका कोरिया। कोरिया जो कि अस्तित्व में आया आपके वर्ष 1998 में, सरगुजा जिले से पृथक होकर के एक अलग जिला बना आपका कोरिया जिला। ठीक है, इस कोरिया जिले के अंतर्गत वर्तमान में आपके 5 विकास खंड है। कौन कौन से? भरतपुर, सोनहत, बैकुंठपुर, खटगवा और मनेंद्रगढ़ खुद। ठीक है, अब ये जो आपका नवीनतम जिला बनेगा इसमें संभावना यह जताई जा रही है कि इस नवीनतम जिले में आपका पूरा का पूरा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के बाद आपका भरतपुर और आपका इस खटगवा का 50% एरिया इस नवीन जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो आपका मनेंद्रगढ़ जो बन रहा है नवीनतम जिला, इसके अंतर्गत आपका मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर, इस जो आपका ये जो विकास खंड है भरतपुर, इसको पूरा कहा जाता है भरतपुर जनकपुर, और खड़गवा का 50% हिस्सा इस नवीनतम जिले के अंतर्गत आने की संभावना है। और ये जो नवीन जिला बन रहा है इसका जिला मुख्यालय होगा आपका मनेंद्रगढ़। क्षेत्र तो इतना शामिल हो रहा है लेकिन इसका जिला मुख्यालय कौन सा बन रहा है? इसका जिला मुख्यालय होगा आपका मनेंद्रगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये जो सारंगढ़ बिलाईगढ़, यह भी एक नया जिला बनाया जा रहा है और इस जिले का ये जो आपका जिला बन रहा है, इस जिले के मातृ जिला दो होंगे। ठीक है, एक है आपका रायगढ़ और दूसरा है आपका बलौदाबाजार। रायगढ़ जो कि अस्तित्व में आया आपके वर्ष 1948 में, वर्ष 1948 में देसी रियासत से डायरेक्ट एक जिला बना था आपका रायगढ़, जबकि बलौदाबाजार आपके पृथक होकर के बना रायपुर से वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में रायपुर जिले से पृथक होकर के अस्तित्व में आया था आपका बलौदाबाजार।
रायगढ़ जिला जो कि वर्तमान में मौजूद है बिलासपुर संभाग में, बलौदाबाजार जिला जो कि वर्तमान में मौजूद है आपके रायपुर संभाग में, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका रायगढ़, रायगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से विकास खंड शामिल है, एक है धरमजयगढ़, लैलुंगा, घरघोड़ा, तमनार, खरसिहा, रायगढ़, पुसौर, बरमकेला और सारंगढ़। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन खींची गई है, इस ग्रीन कलर की लाइन से इधर मौजूद है आपका बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिले में क्या क्या शामिल है, भाटापारा, सिमगा, बलौदाबाजार, पलारी, कसडोल और बिलाईगढ़, ये विकासखंड शामिल है आपके बलौदाबाजार के अंतर्गत। अब देखिए इस सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जो है जिला मुख्यालय होगा आपका ये सारंगढ़, ठीक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जिला मुख्यालय क्या होगा, आपका जिला मुख्यालय होगा आपका सारंगढ़। इसके अंतर्गत किन किन विकास खंडों को शामिल किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा आपका सारंगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगढ़ जो है ये है आपके रायगढ़ का, बिलाईगढ़ जो है ये मौजूद है आपके बलौदाबाजार में। इसके अलावा बरमकेला यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, बरमकेला, इसका पूरा नाम है बरमकेला सरिया। तो ये जो नया जिला बन रहा है इसमें आपके बलौदाबाजार का बिलाईगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिले का सारंगढ़ और बरमकेला, ठीक है, ये सभी के सभी शामिल होंगे इस नए जिले के अंतर्गत, ठीक। तो अब बिलाईगढ़, सारंगढ़, बरमकेला, ये जो बरमकेला है इसको जो है बरमकेला सरिया के नाम से जाना जाता है, बरमकेला सरिया के नाम से जाना जाता है, ये बनेगा आपका नवीन जिला। और इसका जिला मुख्यालय क्या होगा, इसका जिला मुख्यालय होगा आपका सारंगढ़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो है पुसौर के ऊपर, देखिए अभी वर्तमान में आपके रायगढ़ में कितने शामिल है, एक है धरमजयगढ़, दूसरा लैलुंगा, तीसरा घरघोड़ा, चौथा तमनार, पांचवा खरसिया, छठवा आपका रायगढ़, सातवां पुसौर, आठवां बरमकेला और नौवां है आपका सारंगढ़। टोटल 9 विकास खंड शामिल है। इस रायगढ़ जिले से 2 विकास खंड अलग होकर के इस नए जिले में शामिल होंगे, कौन कौन से, सारंगढ़ और बरमकेला सरिया, ठीक है। जबकि इस बलौदाबाजार के अंतर्गत आपका भाटापारा 1, सिमगा 2, बलौदाबाजार 3, पलारी 4, कसडोल 5, बिलाईगढ़ 6 विकास खंड है, इनमें से एक बिलाईगढ़ शामिल होगा इस नए जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बनेगा आपका नया जिला। देखिए जो आपका धरमजयगढ़ है, धरमजयगढ़ को पूरा नाम है उदयपुर धरमजयगढ़, ठीक है, कुछ पुस्तकों में धरमजयगढ़ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ पुस्तकों में उदयपुर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो देखिए इसका जिला मुख्यालय क्या है, सारंगढ़। तीसरे नंबर पर है आपका शक्ति, ठीक है, शक्ति, ये जो शक्ति जो है ये जांजगीर चांपा जिले से पृथक होकर के बनेगा। जांजगीर चांपा जिला जो कि अस्तित्व में आया आपके वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में बिलासपुर जिले से पृथक होकर के एक नवीन जिला बना आपका जांजगीर चांपा जिला, जिसमें मौजूद था वर्तमान का शक्ति। अब ये शक्ति पृथक होकर के एक नया जिला बन रहा है। इसके अंतर्गत टोटल 9 विकास खंड शामिल है, कौन कौन से, बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, नवागढ़, बमनीडीही, शक्ति, जय जयपुर, माल खरौदा और डबरा, ठीक है, ये टोटल 9 विकास खंड इसके अंतर्गत शामिल है। अगर कुछ पुस्तकों में देखेंगे तो बमनीडीही की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा चांपा, ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकों के हिसाब से चले, ये जो भी आपको विकास खंड के नाम दर्शाए जा रहे हैं या विकास खंड को लेकर जो मैप बनाया गया है, ये सभी के सभी आपके ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकों से उठाया गया है, ठीक है। तहसीलों की संख्या तो चेंज हो रही है लेकिन विकास खंड अभी भी जैसे के वैसे बने हुए हैं, इसलिए आपको विकास खंड को लेकर के चीजें समझाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए संभावना जताई जा रही है कि जो नया आपका जो जिला बनेगा शक्ति, इस नए जिले जो है इसमें ये शक्ति, जय जयपुर, माल खरौदा, डभरा, ये चार आपके विकास खंड को लेकर के एक नया जिला बनेगा। कौन कौन सा, शक्ति एक खुद, दूसरा जय जयपुर, तीसरा माल खरौदा, चौथा डभरा, इन चार को लेकर के बनाया जाएगा आपका शक्ति को एक नया जिला। एक और संभावना भी यह भी जताई जा रही है कि ये जो बमनीडीही है, बमनीडीही को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये जो आपका बमनीडीही है यहां पर मौजूद है आपका चांपा और यहां पर मौजूद है आपका बमनीडीही, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा और बमनीडीही भी जो है आपके शक्ति के अंतर्गत शामिल हो सकता है, यानी कि संभावना है कि इसमें 5 जो आपके विकास खंड है वो शामिल हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी आप ये जो 4 है, ये 4 तो शामिल होंगे ही, 5वां भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो जो शक्ति जो है, इस शक्ति नवीन जो आपका जिला बनेगा उसका जिला मुख्यालय होगा आपका शक्ति, जिसके अंतर्गत शक्ति, जयजयपुर, मालखौदा और डभरा शामिल होंगे। संभावना यह भी है कि आपका ये नीचे वाला जो आपका बमनीडीही है ये भी शामिल हो सकता है इस नवीन शक्ति जिले में, ठीक है। शक्ति जो कि हमारे प्रदेश के 14 रियासतों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देसी रियासत था आपका शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी।
शुरुआत में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था तो इस नए जिले का नाम मोहेला मानपुर बताया गया था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में विवाद हो रहे हैं और अलग अलग मांगे उठ रही है, जिसके पश्चात ये जो आपके इस नए जिले का नाम परिवर्तित करके मोहेला मानपुर चौकी या मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी रखा जाएगा। ठीक है, देखिए यह है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव, ये राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया आपके वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में दुर्ग जिले से पृथक होकर के एक नया जिला बना। इसके अंतर्गत वर्तमान में जो है आपके टोटल 9 विकास खंड शामिल है। कौन कौन से? छुई खदान 1, खैरागढ़ 2, डोंगरगढ़ 3, राजनांदगांव 4, डोंगरगांव 5, छुरिया 6, अंबागढ़ चौकी 7, मोहेला 8, मानपुर 9। वर्तमान में टोटल आपके 9 विकास खंड इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब देखिए इस राजनांदगांव जिले का जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा मोहेला मानपुर वाला, ये मोहेला मानपुर वाला क्षेत्र आता है आपके दंडकारण्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो आपका निचला वाला जो क्षेत्र है ये दंडकारण्य प्रदेश में आता है। देखिए मोहेला मानपुर जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और ये दंडकारण्य प्रदेश जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग आता है और राजनांदगांव जिले का मोहेला मानपुर एरिया वाला जो है ये भी आपके दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जो नीचे के जो आपके 3 विकास खंड है कौन कौन से? अंबागढ़ चौकी, मोहेला और मानपुर। ठीक है, इसको लेकर के जो है एक नया जिला बनाया जाएगा और इसका जिला मुख्यालय होगा आपका मोहेला, यानी कि ये, ठीक है, बीच में है, इसका जिला मुख्यालय होगा आपका मोहेला। तो ये है आपके हमारे प्रदेश के नवीनतम जिले। ठीक है, कौन कौन से? मनेंद्रगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, मोहेला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। नीचे के अंबागढ़ चौकी, मोहेला और मानपुर, इसको लेकर के राजनांदगांव जिले से पृथक होकर के बनेगा आपका नया जिला मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, विधानसभा क्षेत्र हमारे प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। ठीक है, 90 विधानसभा सीट मौजूद है। तो इस मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत 2 विधानसभा सीट पर जा सकते हैं। कौन कौन से? एक मनेंद्रगढ़ खुद और दूसरा है आपका भरतपुर। ये जो आपका मनेंद्रगढ़ है ये ST आरक्षित सीट है। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीट है। और दूसरा है आपका भरतपुर, ये भी एक विधानसभा सीट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिसके अंतर्गत आपकी बलौदाबाजार का बिलाईगढ़ और रायगढ़ जिले का रायगढ़, बरमकिला, सरिया, ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र बलौदाबाजार का, ये SC और सारंगढ़ आपके रायगढ़ जिले का, ये भी SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। तीसरा है आपका शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से विधानसभा सीट है? शक्ति, जयजयपुर और चंद्रपुर। देखिए एक तो शक्ति खुद, दूसरा जयजयपुर और डभरा के पास यहां पर मौजूद है आपका चंद्रपुर। ये 3 विधानसभा सीट आपके जाएंगे शक्ति जिले के अंतर्गत। और चौथा है मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसमें है आपका खुज्जी, एक जाएगा खुज्जी और दूसरा है आपका मोहेला मानपुर। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर के 1 विधानसभा सीट है यहां पर मोहेला मानपुर, जो कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। अब देखिए हमारे प्रदेश में टोटल आपकी लोकसभा सीटों की संख्या है 11। कौन कौन से? पहले तो आपके 5 संभाग के नाम पर 5 लोकसभा सीट। कौन कौन सा? एक है आपका सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा है आपका दुर्ग, चौथा रायपुर और पांचवा है आपका बस्तर। ये 5 लोकसभा सीट हो गए। बस्तर में एक और ऐड करना है, वो है कांकेर, 6। दुर्ग में ऐड करना है राजनांदगांव, 7। उसके बाद आपके रायपुर में ऐड करना है महासमुंद, ये हो गया 8। फिर बिलासपुर में 3 है, कौन कौन सा? कोरबा 9, जांजगीर 10 और रायगढ़ 11। ये टोटल आपके 11 लोकसभा सीट है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये जो आपका मनेंद्रगढ़ भरतपुर वाला जो आपका विधानसभा सीट है ये किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आएगा पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आएगा कोरबा में। ठीक है, बिलासपुर संभाग में जो कोरबा है, कोरबा लोकसभा सीट के अंतर्गत आएंगे ये दोनों के दोनों विधानसभा सीट। ठीक, उसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ का, ये सारंगढ़ और बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र देखिएगा ये आएगा रायगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, रायगढ़ के अंतर्गत आएगा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शक्ति में है शक्ति, जयजयपुर, चंद्रपुर, ये आएंगे आपके इसमें, किसमें? जांजगीर चांपा वाले में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका सारंगढ़ है, सारंगढ़ वाला क्षेत्र आएगा आपके रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, जबकि बिलाईगढ़, देखिए ये जो जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा इसके ऊपर मौजूद है, बलौदाबाजार के जस्ट ऊपर मौजूद है जांजगीर चांपा। तो बिलाईगढ़ वाला जो आपका विधानसभा सीट है ये आएगा जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत, और जो सारंगढ़ वाला जो विधानसभा क्षेत्र है ये आएगा रायगढ़ के
लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। सारंगढ़ का जो आपका विधानसभा सीट है ये आएगा आपके रायगढ़ के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद शक्ति जो है, शक्ति के जितने भी आपके विधानसभा सीट है ये सभी के सभी आएंगे आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत। और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसमें एक है खुज्जी और दूसरा है आपका मोहिला मानपुर, ये आएंगे आपके राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये है आपके छत्तीसगढ़ के चार नवीनतम जिले और उससे जुड़े हुए कुछ संभावित तथ्य, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये केवल संभावना जताई जा रही है, विवाद अभी बने हुए हैं, स्थानीय स्तर पर अलग अलग मांगे उठ रही है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो, लेकिन सभी चीज़ें में जो है चेंजेस लाना असंभव है, ठीक है। जब आपका अधिसूचना जारी किया जाएगा, राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाएगा और इनके सीमाओं का निर्धारण और इसके अंतर्गत कौन कौन से विकासखंड, कौन कौन से तहसीलों को शामिल किया गया है ये अधिसूचना में जारी होगा, तब हर एक जिले का मैप आधारित आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने एडमिशन भी लिया हुआ है, जो हमारा छत्तीसगढ़ जीएस बैच का, जीएस का जो ऑनलाइन बैच चल रहा है उसमें जिन बच्चों ने एडमिशन भी लिया है वो भी थोड़ा देर इंतजार कीजिए। अगर ये नए जिले बनते हैं तो ये नए जिलों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैप है वो आपके यूट्यूब में अवेलेबल कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।